Welcome back, ladies and gentlemen, to Zee Cine Awards. वैसे तुम सब एक्टर्स को देखकर मुझे ना कभी कभी लगता है कि अगर मैं डायरेक्टर नहीं होता तो जरूर एक एक्टर होता. करण, मैंने तुम्हारी एक्टिंग देखी है, तुम डायरेक्टर ही ठीक हो. You mean मैं एक्टिंग अच्छी नहीं करता? नहीं नहीं, मैंने ऐसे कब कहा. तुम बहुत अच्छे एक्टर हो, तुम कमाल के एक्टर हो. और ये जो फिल्म आई थी, द लेजेंडरी फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, उसमें तुमने काम किया था और तुम्हारे काम को देखने के लिए तो लोग आ रहे थे. वहाँ पे शाहरुख खान, कजोल, वो तो ऐसे ही थे. They all came for you. It's still running because of you, Karan. It's all you, you, you. I feel that also. Bombay Velvet देखी? नहीं, मुझे बॉम्बे का वेलवेट नहीं अच्छा लगता. दिल्ली के वेलवेट के अंदर वैरायटी थोड़ी ज्यादा होती है. मैं अपनी फिल्म की बात कर रहा था, किसी फैब्रिक के बारे में नहीं. ओह, तुम्हारी फिल्म बॉम्बे वेलवेट? हाँ, मैंने देखी है. यही तो प्रॉब्लम है. तुमने देखी, शाहरुख ने देखी, काजल ने देखी, माधुरी ने देखी, जूही, श्रीदेवी, ऐश्वर्या सब ने देखी, फिर पिक्चर चली क्यों नहीं यार? अरे जाने तो यार करण, वो क्या है ना, कई बार बहुत सारे ऐसे शोज होते हैं जिनकी यू नो कंटेंट बहुत अच्छा होता है, फिल्में बहुत अच्छी होती है, लेकिन उनकी टीआरपीज नहीं होती हैं. तुम बस क्वालिटी पर फोकस करो, डायरेक्शन पर फोकस करो, है ना. तुम वो करो जो जिसमें तुम अच्छे हो, और मैं एक्टिंग पर फोकस करता हूँ, है ना. नहीं तो डायरेक्शन के ऑफर्स तो मुझे आते रहते हैं तुम्हें. डायरेक्शन के? हाँ, आसान है क्या डायरेक्ट करना? इसमें बड़ी बात क्या है, यू हैव टू से लाइट्स, कैमरा, एक्शन, बीक में सारा काम एक्टर करता है, और एंड में तुम्हें कटी तो कहना. इट्स रियली सिंपल. वाह, बस इतना बोलने से अगर डायरेक्टर कोई बन जाए तो गली गली का बच्चा डायरेक्टर बन जाता. ठीक है, तो एक काम करते हैं. हाँ. यहीं पर डिसाइड कर लेते हैं कि कौन कितना अच्छा डायरेक्टर है, कौन कितना अच्छा एक्टर है. तुम एक्टिंग करो, पता चल जाएगा तुम कितने अच्छे हो. मैं डायरेक्शन करता हूँ, पता चल जाएगा कि मैं कितना सुपीरियर हूँ. और एक सिचुएशन बनाते हैं. ओके, सो सिचुएशन ये है कि करण जौहर बाप से लड़की का हाथ मांगने जा रहे हैं. मैं? जी, बाप की कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, हाँ. आपकी कास्टिंग हो चुकी है. ओके, हाँ. बाप की कास्टिंग के लिए हम रोहित शेट्टी को लेते हैं. रोहित शेट्टी, वो देखिए, रोहित शेट्टी बैठे हुए हैं. रोहित शेट्टी बाप हैं, आप जाके उनसे उनकी बेटी का हाथ मांगिए. पागल हो गए हो? रोहित शेट्टी का साइज देखा है क्या? गाड़ी ना मांगू रोहित शेट्टी से, लड़की का हाथ क्या मांगूंगा? देखा है, मार डालेंगे मुझे. अक्षय कुमार सर फादर हैं, आप बेटी का हाथ मांगिए. तुम बाकी थोड़ा ऑफ हो गए हो. क्या हो गया? इतने फिट और फैबुलस बाप होते हैं क्या? इज द सन इन लॉ इज लुकिंग लाइक दामाद लग रहे हैं, वो कहां से बाप लग रहे हैं? बिल्कुल नहीं. नेक्स्ट चेंज, आई डोंट लाइक दिस कास्टिंग. ठीक है, एक काम करते हैं कि ये बाप का चक्कर ही निकाल देते हैं. भाई और बहन, ओके, एंड फॉरगेट द ऑडियंस. मैं भाई हूं, मेरी बहन का हाथ आप मुझसे मांगने आएंगे. आइए. ओके, लाइट्स, कैमरा एंड एक्शन. करण, मैं तुम्हारी बहन से बहुत प्यार करता हूं, उससे शादी करना चाहता हूं. What? मैं तुम्हारी बहन से बहुत प्यार करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ. तो पूरा मोहल्ला मेरी बहन से प्यार करता है, तो पूरे मोहल्ले की शादी करवा दूँ उससे? मैं ना इश्क वाला प्यार करता हूँ. What? दिल से प्यार करता हूँ, हर जगह से प्यार करता हूँ. तुम श्योर हो ना तुम मेरी बहन से ही प्यार करते हो? करण, मैं बहुत ही काबिल इंसान हूँ. अच्छा, आई वर्क इन द प्रिंट मीडिया. अच्छा अच्छा, तो तुम प्रिंट का काम करते हो? जी. एक बार पहले भी लड़का आया था. हाँ. बाद में पता चला कि वो सुबह में अखबार बेचता था. मैं भी बेचता हूँ. तुम्हें लगता है कि मैं अखबार बेचने वाले की शादी अपनी बहन से कराऊंगा? कट कट कट, दिस वॉज वेरी बैड करण, आई एम सॉरी, यू फेल. कोई और भाई है क्या? वॉट आई मीन, जिससे मैं बात कर सकूं. अच्छा. आगे बढ़ते हैं. मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ कि कैसे होनी चाहिए एक्टिंग. ओके, कम ऑन. ओके, मैं भाई हूँ, तुम्हारी बहन. एक्शन. भैया, मैं तुम्हारी बहन से प्यार करता हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ. भैया, सिर्फ बहन से? हाँ भैया, मुझे सिर्फ बहनों में इंटरेस्ट है. भैया, वो नहीं शादी कर सकती. क्यों? क्योंकि उसका रिश्ता ऑलरेडी पक्का हो चुका है. क्या बात कर रहे हो, मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है. चुड़ैल, she's preggers. Yeah, she's preggers. कब शादी करना चाहोगे? कट कट कट, देखा, इसे कहते हैं गुड एक्टिंग. इमीडिएटली कन्विंस हो गए तुम. हाँ, वेल डन. यस, अब समझ आया मुझे शाहिद कि एक्टर्स जो होते हैं वो कुछ भी करके अपनी बात मनवा ही लेते हैं. दिस इज ट्रू. इसलिए तुम डायरेक्शन पे ध्यान दो और मैं एक्टिंग पे ध्यान देता हूँ. फिलहाल तो मुझे लग रहा है हमें शो पे ध्यान देना चाहिए और शो आगे बढ़ाते हैं. Let's move to the podium. अगले अवार्ड की तरफ.